चढ़ती कला फास्ट न्यूज। सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास खबरां ते। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों दी गई जमानत रद्द कर दी है। चीफ जस्टिस एनवीर मन्ना, जज सूर्यकांत, जज हेमा कोहली की विशेष बेंच ने दोषी को एक हफ्ते के अंदर आत्म समर्पण करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को मिश्रा की जमानत रद्द करने की किसान की पटीशन उत्ते अपना फैसला सुरक्षित रखा। इस तो पहले हाईकोर्ट ने उन्होंने जमानत दे दी सी। दर्शनयोग है कि पिछले साल 3 अक्तूबर को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोग एक हिंसा में मारे गए सन। भारतीय किसान यूनियन के आगू राकेश टिकैत ने कहा कि अदालत का फैसला श्लाघाजोग है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल प्रकाश पर्व संबंधी केंद्र सरकार वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि 20 अते 21 अप्रैल लाल किले के मैदान में विशेष प्रोग्राम होंगे जिस विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शमूलियत करेंगे। उन्हें कहा कि इन समागमों दौरान श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम उत्ते एक सिक्का और डाक टिकट जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 5 तख्तों के जथेदार साहबान भी इस समागम में शामिल होने का सद्दा दिया गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग नाल यह समागम करवाए जा रहे हैं। जिक्रयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को इस मौके संबोधन भी करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साल समागमों के संबंध में हरियाणा सरकार वालों पानीपत में 24 अप्रैल को सूबा पद्धरी समागम करवाए जा रहे हैं। हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह और मैंबर पार्लीमेंट संजय भाटिया श्री दरबार साहब विखे पवित्र सरोवर विचों जल लैण लई पहुंचे। इस मौके उन्होंने नाल हरियाणा सरकार के होर अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस श्री दरबार साहब विच मत्था टेकन पहुंचे। उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेकिया ते गुरबाणी कीर्तन का आनंद माणिया। इस मौके श्री दरबार साहब के सूचना केंद्र के अधिकारियों वालों उन्होंने सन्मान चिन्ह भेट करके सन्मानित किया गया। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने पहुंचे चढ़दी कला मीडिया ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों वालों सम्मानित किया गया। सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने पंजाबी पत्रकारी के खेत्र में वड्डा मुकाम हासिल किया है और उन्होंने भारत सरकार वालों पद्मश्री के सम्मान नाल भी नवाजा जा चुका है। सरदार जगजीत सिंह दर्दी गुरु साहब का शुकराना करने लिए सचखंड श्री हरिमंदर साहब पहुंचे जिथे उन्होंने श्री दरबार साहब के सूचना केंद्र में श्रोमणी कमेटी मैंबर भाई मनजीत सिंह पूरा कोना वधीक मैनेजर सरदार सतनाम सिंह रियाड सूचना अधिकारियां जसविंदर सिंह जस्सी वालों सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों से मुलाकात की जिथे श्रोमणी कमेटी के वधीक सकत्र सरदार प्रताप सिंह और मीत सकत्र मीडिया सरदार कुलविंदर सिंह रमदास ने उन्होंने जी आयां नूं कहा और गुरु साहब की बख्शिश शिरोपाव दे के सन्मानित भी किया। इस मौके सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है और इसके पंथक कार्ज बहुत वड्डे ने। उन्हें कहा कि गुरु घर विखे नतमस्तक होने मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों वालों सम्मान देना उन्होंने लिए बहुत वड्डी गल है। इस मौके उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी और अधिकारियों का धन्यवाद किया। इस मौके उन्होंने परिवारिक मैंबर सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी, हरप्रीत सिंह दर्दी, डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी भी इस दौरान मौजूद रहे। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं भारत के राष्ट्रपति वालों पद्मश्री सम्मान नाल सम्मानित किया गया जिस तों बाद उन्होंने वख-वख थावां उत्ते सम्मानित किया जा रहा है। इसे तहत चढ़दी कला मीडिया जर्नलिस्ट एसोसीएशन रजिस्टर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सतनाम सिंह संधु, सूबा प्रधान डॉक्टर नरेंद्र सिंह कुमाण, सूबा जनरल सकत्र जगीर सिंह मंड, सूबा सीनियर मीत प्रधान बिक्रमजीत सिंह खालसा, सूबा कैशियर अशोक कुमार संघराल, प्रैस सकत्र नरेंद्र सिंह सोनू, सरबजीत सिंह खालसा, वर्किंग कमेटी मैंबर मनिंदर सिंह हैप्पी, हैप्पी विनसेंट, मुख्तार सिंह सोना, सतनाम सिंह सहारी, धनपाल सिंह कलसी वालों पद्मश्री अवार्ड मिलने उपरंत सरदार जगजीत सिंह दर्दी को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। संगरूर के महिला चौंक में पातड़ा तो संगरूर आ रही सरकारी बस हेठा आने एक विद्यार्थन की मौत हो गई जबकि 3 होर विद्यार्थन जख्मी हो गई जिन्होंने इलाज लिए हस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक लड़की का नाम अमनदीप कौर दसाया जा रहा है जो 7वीं क्लास की विद्यार्थन से। एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धू हस्पताल में पहुंचे और विद्यार्थियों का हाल चाल जाने। इस मौके डिप्टी कमिश्नर भी उन्होंने मौजूद रहे जिन्होंने कहा कि जिस विद्यार्थन की सड़क हादसे में मौत हुई है उसके परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और बाकी विद्यार्थियों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।
पुलिस ने हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा वालों चलाए जा रहे पाकिस्तानी आधारित अतवादी गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। तीन दोषियों को गिरफ्तार करके सीएए दफ्तर नवांशहर में हुए हैंड ग्रेनेड हमले की गुत्थी सुलझा ली है। यह जानकारी नवांशहर पुलिस ने साझी की है। दस दिए कि 7 और 8 नवंबर 2021 की दरमियानी रात को कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों पुलिसकर्मियों को मारने के इरादे से सीएए दफ्तर नवांशहर विखे हैंड ग्रेनेड सुट्टा गया। जाते जाते नज़र मारदे आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते चढ़ती कला।